बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, खुश आमदीद कहता हूँ मैं आपको अपने चैनल पर। जड़ी बूटियों की पहचान के सिलसिले में एक और नई जड़ी बूटी के साथ हाजिर खिदमत है। आज की हमारी जड़ी बूटी है इसरोल, रॉल्फिया भी इसको कहते हैं। खानदानी नाम रॉल्फिया सरपेंटिला बेंथ, खानदान अपॉइनेसी, हिंदी में चंदन बूटी, छोटी चंदन, छोटा चांद वगैरह के नाम से मशहूर है। बंगला में सारपा गंधा, गुजराती में चंदर भागा, अंग्रेजी में राउल्फिया के नाम से जानी जाती है। ये एक पौधे से हासिल होने वाली जड़ है। इस जड़ की मुद्दत या 2 साल है। मिजाज खुश्क दर्जा सोम और सर्द भी दर्जा सोम है। नफा खास इसका ये है कि ये दाफे फशार उल दम है और मुजर असर इसका ये है कि ये द्वार पैदा करता है। इसके मुजर असर को फिलफिल स्याह यानी काली मिर्च दूर करती है। बदल इसका जदवार शीरी है। मिकदार खुराक जो एक वक्त में इस बूटी की खाई जा सकती है वो 1 ग्राम है। ये किस्म के पौधे की जड़ है जो तकरीबन 7 से 10 सेंटीमीटर लंबी होती है। इसकी सदा खुरदरी और नशेब अफराज लिए होती है। इसका जायका निहायत तल्ख होता है। इसका पौधा तकरीबन 1 मीटर बुलंद होता है, जिसके पत्ते चौड़े और किसी कदर नोकदार होते हैं। इसके फूल मक्कू के फूलों की तरह कोशों में लगते हैं यानी गुच्छों में लगते हैं। इसका फल भी मक्कू की तरह होता है लेकिन इसमें सिर्फ 1 बीज होता है। ये श्रीलंका, नेपाल, बिहार, आंध्र प्रदेश, शुमाली भारत और आसाम में बकसरत पैदा होती है। ये मस्कन है, मनोम है, महजर है, हाबिसुल दम है, दाफे फिशारुल दम है, यानी जो हाई ब्लड प्रेशर होता है उसको कंट्रोल करती है। इसको किन मौके पे इस्तेमाल करते हैं? बेख्वाबी के लिए, यानी ऐसे लोग जिनको नींद ना आए, माले खोलिया के मर्ज में ये एक जहनी मर्ज है, जनून, सिरा, इख्तनाकुल रहम, माले खोलिया, बुखार और असाबी तनाव में इसका इस्तेमाल बहुत ही मुफीद है। सोदावी व बलगमी अमराज में इसके सफूफ को दूध के साथ इस्तेमाल करना मुफीद होता है। हाई ब्लड प्रेशर, इख्तनाक की दर्द और आसाब को तस्कीन देने के लिए काली मिर्च के हमरा इस्तेमाल करना मुफीद। रहम के रेशों को सुखेड़ कर जनन को खारिज करने के लिए बतौर सफूफ इस्तेमाल करते हैं। बुखारों और जहरीले जानवरों के जहर को जायल करने के लिए बतौर तरियाक इस्तेमाल किया जाता है। जदीद तहकीकात के मुताबिक अजमलीन, अजमलसीन, अजमलाइन, पपावरीन, सरपनीन, सरपटीसन, कार्बोहाइड्रेट, विटामिन बी, रेजरपन वगैरह जैसे मादे मौजूद हैं। इसके मशहूर मरकबात में करसी, दवाल, शिफा और इसरोफीन वगैरह शामिल हैं। नाज़रीन, ये थी छोटी चंदन की या इसरोल की पहचान और इसके कुछ फायद। उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आएगी। वीडियो अच्छी लगी है तो उसको लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलेंगे अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।